वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीना सिस्टम ऑफ रैट के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आते हैं, जैसे कि हार्ट आता है, आर्टेरियल सिस्टम आता है, वीनस सिस्टम आता है। तो हमने आर्टेरियल सिस्टम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज की वीडियो में हम वीनस सिस्टम के बारे में डिस्कस करें। तो वीनस सिस्टम की अगर हम सिंपली बात करें यहाँ पे, लाइक आर्टेरियल सिस्टम क्या करता था, ब्लड को सप्लाई करता था। अब ये क्या करके लेके आया, कलेक्ट करके लेके आया। तो वीनस सिस्टम जो होता है, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू द हार्ट बाय वेन्स इज कॉल्ड वीनस सिस्टम। ठीक है, वीनस सिस्टम किसको बोलते हैं, जो अलग अलग वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को जो सिस्टम कलेक्ट करके लेके आता है हार्ट तक, और ये किसके थ्रू कलेक्ट करके लेके आता है, वेन्स के थ्रू, एंड इसको बोला जाता है वेनस सिस्टम। वीनस सिस्टम जो है, इसके चार पार्ट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ वेने कैवा, पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम एंड पल्मोनरी सिस्टम। तो ये चार पार्ट्स के अंदर हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीनस सिस्टम के अंदर ये जो सिस्टम ऑफ वीने कैवे होते हैं, इसके अंदर एक राइट इंटीरियर वीना कैवा होता है, लेफ्ट इंटीरियर वीना कैवा होता है एंड एक पोस्टीरियर वीना कैवा होता है। तो यहाँ पे दो इंटीरियर होते हैं एंड एक पोस्टीरियर वीना कैवा होता है, तीन वीने कैवे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे वॉल होती है, वहां पे इलियोलुम्बर, जेनिटियल, रीनल एंड हिपेटिक वेन्स भी पाई जाती है यहाँ पे। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे सिस्टम्स ऑफ वीने कैवे के अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर थ्री लार्ज वीने कैवे होते हैं या फिर कैवल वेन्स यहाँ पे होती है, राइट एंटीरियर वीने कैवे और प्री कैवल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर वीना कैवा और ये भी प्री कैवल होता है एंड एक यहाँ पे होता है पोस्टीरियर वीना कैवा और पोस्ट कैवल। एंड इसके अलावा यहाँ पे इलियोलुम्बर वेन होती है, जेनिटियल वेन्स होती है, रीनल वेन एंड हिपेटिक वेन्स पाई जाती है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है राइट एंटीरियर वीना कैवा और प्री कैवल। ठीक है, राइट एंटीरियर वीना कैवा और प्री कैवल इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, अब इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स वेन। यहाँ पे छह वेन से ये बना होता है, क्योंकि अब इसको ब्लड को कलेक्ट करके लेके आना है। लाइक आर्टरीज के सिस्टम में हमने देखा था कि जैसे कि ये मेन यहाँ से आया था और ये डिवाइड कर रहा था, अब क्या होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये बहुत सारी ब्रांचेस डिवाइड है और ये कलेक्टिवली एक जो है बड़ी एक वीना कैवा यहाँ पे फॉर्म करती है। तो ये वेन्स है, ये वीना कैवा फॉर्म करेगी। अब ये जो राइट इंटीरियर वीना कैवा होता है और प्री कैवल होता है, ये छह वेन्स का बना होता है। इन छह वेन्स में से इट ओपन्स इनटू द राइट साइड ऑफ द राइट ओरिकल। एंड ये क्या करता है, जो राइट ओरिकल होता है उसके अंदर ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेन जो होती है ये होती है एक्सटर्नल जुगलर वेन। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो होगी ये होगी एक्सटर्नल जुगलर वेन। इट इज अ लार्ज वेन विच रन्स अलोंग द साइड्स ऑफ द नेक एंड रिटर्न ब्लड फ्रॉम द फेस एंड नेक। फेस से एंड नेक के पास ही होती है और वहां से ये ब्लड को क्या करके लेके आती है, लेकर आती है। तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल जुगलर वेन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आती है, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसियल वेन। अब यहाँ पे ये फेसियल वेन्स होती है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, राइट पोस्टीरियर फेसियल एंड राइट एंटीरियर फेसियल हो गई। तो ये फेसियल वेन्स जो है ये क्या बनती है, ये एक्सटर्नल जुगलर वेन बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है सबक्लेवियन। जैसे कि हमने आर्टरीज के आर्टेरियल सिस्टम के अंदर देखा था, यहाँ पे ये जो दो गई थी, ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर भी है, ये इंटरनल जुगलर हो गई, ये एक्सटर्नल जुगलर हो गई, और यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे निकलेगी सबक्लेवियन। ये वाली जैसे कि यहाँ से निकली, ये क्या हो गई, यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन हो गई। तो ये जो सबक्लेवियन है, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द राइट फोर लिम्ब एंड शोल्डर। अब अगर आर्टेरियल सिस्टम याद कर लिया है कि कौन सा और कौन सी आर्टरी कहाँ ब्लड को भेज रही है, सेम वही है, सिर्फ वेन यहाँ पे लगाना है कि कौन सा ब्लड जो है ये लेकर आ रही है। तो ये क्या करती है, राइट फोर लिम्ब एंड शोल्डर से ब्लड को लेके आती है।
इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ रेडियल एंड अल्नर वेन्स नियर एल्बो. सेम वही बात है, ये जो है इसके अंदर रेडियल एंड अल्नर वेन जो होती है उनके फ्यूजन से ये सबक्लेवियन बनती है. द सबक्लेवियन वेन जॉइन्स द एक्सटर्नल जुगुलर वेन टू फॉर्म राइट इंटीरियर वीना कैवा एट द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब. एंड फर्स्ट रिब के लेवल तक ये क्या करता है, सबक्लेवियन वेन जो है एक्सटर्नल जुगुलर वेन से इसको ज्वाइन कर लेता है और ये राइट एंटीरियर वीना कैवा बना देता है. थर्ड यहाँ पे आती है इंटरनल जुगुलर वेन. इंटरनल जुगुलर वेन जो है ये स्मॉल वेन होती है दैट रन्स डाउन द नेक, नेक के डाउन ये रन करती है अलोंग द साइड ऑफ द ट्रैकिया. ठीक है, ट्रैकिया के अलोंग साइड ही रन करती है एंड ओपन्स इनटू प्री कैवल. एंड ये प्री कैवल के अंदर ओपन हो जाती है, यानी कि एंटीरियर जो वीना कैवा है उसके अंदर ओपन हो जाएगी. ये बनी होती है ओसीपिटल वेन की एंड थायरो सर्वाइकल वेन की. ठीक है, यहाँ पे नेक के अराउंड ये एक तो ओसीपिटल वेन होती है और एक थायरो सर्वाइकल वेन होती है, जो कि ओसीपिटल जो है ब्लड जो है कलेक्ट करके लेके आती है ब्रेन से, थायरो सर्वाइकल नेक रीजन से ब्लड को लेकर आती है या फिर ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है. नेक्स्ट आती है मेमोरी वेन. ठीक है, ये वाली यहाँ पे राइट इंटरनल ये वाली हो गई मेमोरी वेन. मेमोरी वेन जो है ये क्या करेगी, थिन वेन कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड से ये ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी. इट जॉइंस प्री कैवा स्लाइटली लोअर टू सबक्लेवियन वेन. एंड ये क्या करती है, ये भी एंटीरियर वीना कैवा को ज्वाइन कर लेती है, फिर प्री कैवल को ज्वाइन कर लेती है स्लाइटली लोअर टू सबक्लेवियन वेन. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरकोस्टल वेन. इंटरकोस्टल वेन जो होंगी थिन वेन कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स. ये क्या करती है, एंटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स से ये ब्लड को लेकर आती है, कलेक्ट करके लेके आती है एंड ये प्री कैवल को ज्वाइन कर लेती है जस्ट बिहाइंड द मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के ये मेमोरी जो वेन थी, सॉरी मेमोरी वेन थी, इसके जस्ट बिहाइंड ही क्या करती है ये इसको जो यहाँ पे एंटीरियर ये वाला जो था एंटीरियर वीना कैवा इसको ये ज्वाइन कर लेती है. इसके बाद आती है फेरनिक वेन. फेरनिक वेन क्या करेगी, वेन कलेक्ट्स फ्रॉम द डायफ्राम. ये डायफ्राम से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आए. इट जॉइंस प्री केवल बिहाइंड द इंटरकोस्टल वेन. एंड जो इंटरकोस्टल वेन्स होती है उसके जस्ट बिहाइंड ये क्या करती है, जो एंटीरियर वीना कैवा होती है उसको ज्वाइन करती है. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेकेंड लेफ्ट एंटीरियर वीना कैवा और प्री कैवा. ठीक है, सिस्टम्स ऑफ वीना कैवा के अंदर आता है लेफ्ट एंटीरियर वीना कैवा और प्री कैवा. लेफ्ट साइड वाला, राइट वाला हमने देख लिया, अब है लेफ्ट साइड की बात. लेफ्ट साइड वाला जो है राइट एंटीरियर प्री कैवल के जैसा ही होता है, उसके ही सिमिलर होता है. यहाँ पे भी जो ब्रांचेस का पैटर्न है वो सिमिलर होता है, सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या होता है, एक्सेप्ट दैट हैज वन मोर वेन. जैसे कि वहां पे छह थी, यहाँ पे एक और ज्यादा एक्स्ट्रा होती है जिसको इजाइगस वेन बोला जाता है. ठीक है, ये जो यहाँ से है यहाँ पे ये एजाइगस वेन ये होती है और ये एजाइगस वेन जो है कलेक्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम पोशियर इंटरकोस्टल मसल से. पोशियर इंटरकोस्टल मसल से क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है दोनों साइड्स की एंड रन मिड डोर्सली टू जॉइन लेफ्ट प्री कैवल. एंड ये क्या करते हैं, मिड डोर्सली रन करती है, ये मिड डोर्सली प्रेजेंट है एंड ये क्या कर लेती है, फिर लेफ्ट प्री कैवल को ज्वाइन कर लेती है जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द हार्ट. हार्ट के जो हार्ट को ज्वाइन करने से जस्ट बिफोर ये उसको ज्वाइन कर लेती. तो ये होती है एजाइगस वेन जो कि राइट एंटीरियर वीना कैवा के अंदर नहीं होती है, ये सिर्फ लेफ्ट एंटीरियर वीना कैवा के अंदर होती है एंड ये दोनों साइड की पोस्टियर इंटरकोस्टल मसल्स का ब्लड कलेक्ट करके लेके आती है. इसके बाद थर्ड आता है पोस्टियर वीना कैवा और पोस्ट कैवा. पोस्टियर वीना कैवा एक लार्ज मीडियन वेन होती है जो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम द हाइंड लिम. हाइंड लिम से ब्लड कलेक्ट करेगी, एब्डोमिनल वेन से कलेक्ट करेगी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, किडनी से एंड लीवर से, इन सभी जगहों से क्या करेगी, ये ब्लड को लेके आएगी पोस्टियर वीना कैवा और पोस्ट कैवल. इट टेकन्स ऑल दैट कलेक्टेड ब्लड टू द राइट ओरिकल. एंड ये सारा का सारा ब्लड जो है ये कहाँ लेके आ जाएगी, ये इकट्ठा कर लेगी राइट ओरिकल के अंदर. इट रन्स अलोंग द मिड डोर्सल वेन जस्ट क्लोज टू द वर्टिबल कोलम. एंड ये मिड डोर्सली ये रन करती है जस्ट जो वर्टिबल कोलम है उसके क्लोज ही. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पोस्ट कैवल रिसीव करता है ब्लड को फॉलोइंग वेन्स के. सबसे फर्स्ट यहाँ पे आती है पोडल वेन.
कॉडल वेन जो होती है एक मीडियम स्मॉल वेन होती है, ठीक है। कॉडल वेन जो है एक मीडियम स्मॉल वेन होगी, ये ब्लड को टेल से कलेक्ट करके लेके आएगी। सिकिन यहाँ पे आती है कॉमन इलियक वेन, सारी जैसे आर्टरीज थी वैसे ही ये वेन है, इनका काम इतना है सिर्फ ये ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएंगी, वो ब्लड को भेज रही थी। तो कॉमन इलियक वेन जो है अ पेयर ऑफ मेन वेन्स होती है विच जॉइन द पोस्ट कैवल इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन। जो कॉमन इलियक है ये क्या करती है, पोस्टीरियर रीजन के अंदर, ठीक है, ये यहां से आई और ये जो है ये पोस्टीरियर रीजन के अंदर पोस्टीरियर वीना कैवा को क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। लाइक उस आर्टेरियल सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था, इस सीरीज में पढ़ा था हमने, ये इधर साइड से इधर साइड आ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि पहले ये ऐसे था, यानी कोडल आया, फिर ये इधर साइड गया है, ठीक है। तो इसको हम उल्टी साइड में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने आर्टेरियल सिस्टम पढ़ा था उसके अपोजिट ही ये, उसको हम याद कर सकते हैं। तो कॉमन इलियक वेन जो है ये क्या करती है, एक पेयर के अंदर होती है एंड ये प्री कैवल पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन के अंदर पोस्ट कैवल को ज्वाइन करने के लिए मिल जाती है, कॉमन बन जाती है। ईच वेन इज फॉर्म्ड ऑफ टू वेन एंड ये दोनों की दोनों जो है हर एक वेन जो है दो वेन्स की बनी होती है, एक यहाँ पे इंटरनल इलियक वेन होती है और एक यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक वेन होती है। इंटरनल इलियक वेन जो है ये वाली एक्सटर्नल इलियक वेन होगी और एक यहाँ पे इंटरनल इलियक वेन होती है। तो एक्सटर्नल वाली जो है कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द इंटरनल वाली, इंटरनल वाली क्या करेगी, थाइज एंड पेल्विस रीजन से ब्लड को कलेक्ट करेगी। एक्सटर्नल इलियक वेन जो है ये तीन वेन्स की बनी होती है, फर्दर फ्यूमोरल वेन, वेसिको यूट्राइन वेन एंड पोस्टीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। जैसे हमने सेम आर्टीरियल सिस्टम के अंदर देखा था, फ्यूमोरल हो गई यहाँ पे, फ्यूमोरल क्या करेगी, लेग या जो हाइंड लेग है उसको सप्लाई उससे कलेक्ट करके लेके आएगी। वेसिको यूट्राइन, वेसिकल और यूट्राइन दो है इसके अंदर, वेसिकल वाली यूरिनरी ब्लैडर से करेगी, यूट्राइन वाली यूट्रस से करेगी एंड पोस्टीरियर एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे एक पोस्टीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। तो ये फ्यूमोरल जो है ये हाइंड लिम्ब से ब्लड कलेक्ट करेगी एंड ये दो वेन यहाँ पे ज्वाइन करती है, टीबियल एंड पोपलाइट, ठीक है। टीबियल एंड पोपलाइट यहाँ पे दो वेन जो है ज्वाइन करेगी एंड ये क्या कर देंगी, फिर ये इसके अंदर मिल जाएंगी, यानी जो एक्सटर्नल इलियक है उसकी हम बात करें उसके अंदर ये मिल जाएंगी। एंड वेसिको यूट्राइन वेन जो है, इसके बाद ये वेसिको यूट्राइन वेन है ये दो के अंदर डिवाइड होती है, एक वेसिकल एक यूट्राइन। वेसिकल वाली जो है ये यूरिनरी ब्लैडर से ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी, यूट्राइन वेन जो है ये यूट्रस इन फीमेल एंड मेल बोथ से ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी, ठीक है, दोनों से ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी। इसके बाद आती है नेक्स्ट पोस्टीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द वेंट्रल एब्डोमिनल वेन और ये क्या करती है, वेंट्रल एब्डोमिनल वेन से ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी और ये जो है आगे की तरफ पोस्ट कैवल में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आती है इलियोल्यूमर वेन, इलियोल्यूमर वेन जो है यहाँ पे ये वाली जो हो गई लेफ्ट और ये राइट इलियोल्यूमर वेन, इलियोल्यूमर वेन एक पेयर के अंदर होती है विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डोर्सल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल की डोर्सल रीजन से ये ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जेनिटल वेन्स, जेनिटिलिया से ब्लड कलेक्ट करके लेके आएगी, अ पेयर में होती है कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द आइदर मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। क्या करती है, ये वाली हो गई राइट और इधर साइड लेफ्ट हो गई, तो जो है दोनों साइड से ही ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन से। अब हमने देखा था मेल के केस में इसको स्पर्मेटिक बोलते हैं, फीमेल के केस में इसको ओवेरिन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है रीनल वेन, रीनल वेन जो है ये क्या करेंगी, किडनी से अपनी ब्लड कलेक्ट करके लेके आएंगी, अ पेयर ऑफ लार्ज वेन होती है रिटर्निंग ब्लड फ्रॉम द किडनीज, ये किडनी से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है। एंड लेफ्ट रीनल वेन इज लॉन्गर देन द राइट वेन, लेफ्ट वाली यहाँ पे क्या होती है थोड़ी सी बड़ी होती है राइट वाली से, क्योंकि यहाँ पे एसिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है किडनीज का। राइट रीनल वेन इज स्लाइटली एंटीरियर आल्सो और ये थोड़ी सी एंटीरियर भी होती है। Each renal vein receives dorsal lumbar vein. अब हर एक renal vein क्या करती है? Dorsal lumbar vein receive करती है from the dorsal body wall and adrenal vein receive करती है from the adrenal gland before joining post caval. ठीक है, तो ये क्या करती है renal vein जो है एक तो यहाँ पे dorsal lumbar vein होती है और एक यहाँ पे adrenal vein है, इनको join करके ये post caval के अंदर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन है लार्ज वेन होती है जो कि लीवर लोब से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी।
ठीक है, लीवर लोब से क्या करके लेके आएगी, ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी। तो ये क्या हो जाएगी, हिपेटिक पोर्टल वेन ये हो जाएगी और ये जो है पोस्ट कैवल के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद सेकेंड सिस्टम जो आता है वीनस सिस्टम के अंदर, ये आता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, इफ अ वेन कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम वन और मैनी ऑर्गन्स, ठीक है। अब जब एक वेन ब्लड को कलेक्ट करती है एक या फिर एक से ज्यादा ऑर्गन्स में से एज एन इंटरमीडिएट ऑर्गन, और ये करती है एक्ट इंटरमीडिएट ऑर्गन की तरह, इंस्टीड ऑफ सेंडिंग द ब्लड डायरेक्टली टू द हार्ट, डायरेक्टली नहीं भेजती है, ये क्या करती है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह एक्ट करती है, एंड इसी सिस्टम को बोला जाता है या फिर इसी वेन को बोला जाता है पोर्टल वेन। A portal vein along with its branches is called portal system. And a portal vein इसकी सारे branches के साथ इसको बोला जाता है portal system. Rat के अंदर जो है hepatic portal system ही present होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे hepatic portal system यहाँ पे होता है। Hepatic portal system के अंदर there is present a large hepatic portal vein collecting blood from four veins in liver. यहाँ पे four veins के through क्या किया जाता है, liver से blood collect किया जाता है पोर्टल सिस्टम के अंदर। इसमें एक होती है लाइनियोगैस्ट्रिक वेन, ड्यूडेनल वेन, एंटीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड पोस्टीरियर मेसेंट्रिक। अब अगर हम इनमें से एक एक को देखें, लाइनियोगैस्ट्रिक वेन जो कि स्प्लीन एंड स्टमक बाई स्प्लेनिक एंड गैस्ट्रिक वेन के थ्रू ब्लड को कलेक्ट करती है, ड्यूडेनल वेन ड्यूडेनम से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, पैंक्रियाज से ब्लड को कलेक्ट करती है, एंटीरियर मेसेंट्रिक वेन कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम इलियम सीकम कोलन एंड एंटीरियर रेक्टम से। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर मेसेंट्रिक वेन। पोस्टीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है ये ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टम, ठीक है। रेक्टम का जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे ये ब्लड को कलेक्ट करती है। ये पोस्टीरियर वाली ये हो गई और एंटीरियर वाली इधर साइड होती है, और ये क्या करती है पोस्टीरियर पार्ट से। हिपेटिक पोर्टल वेन फॉर्म स्कैपुलरीज इनटू लीवर फ्रॉम वेयर द मॉडिफाइड ब्लड passes by the short and thick hepatic veins into the posterior vena cava. इसके बाद hepatic portal vein जो है ये क्या करती है capillaries की capillaries जो थी वो hepatic portal vein के अंदर मिल जाते हैं। ये hepatic portal vein क्या करता है फिर ये जो है post caval के अंदर मिल जाता है या फिर posterior vena cava के अंदर ये मिल जाता है। इसके बाद third system आता है venous system के अंदर coronary system। कोरोनरी सिस्टम के अंदर देर आर प्रेजेंट मैनी स्मॉल वेन्स कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट कॉल्ड कोरोनरी वेन्स। अब जो वॉल ऑफ द हार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ जाता है उसको कोरोनरी वेन बोला जाता है। दस द कोरोनरी वेन ज्वाइन टू फॉर्म कोरोनरी साइनस। अब ये जो कोरोनरी वेन होती है ये कोरोनरी साइनस को ज्वाइन करती है जो कि राइट ओरिकल के अंदर ओपन हो जाता है। Some small coronary vein open independently into right auricle. इसके अलावा कुछ जो ऐसी coronary vein होती है जो कि independently right auricle के अंदर open हो जाती है बिना sinus के अंदर जाए, ऐसी type की जो veins है इनको बोला जाता है vena cordis minimae. ठीक है, vena cordis minimae इनको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फोर्थ इज द पल्मोनरी सिस्टम। वीनस सिस्टम के अंदर फोर्थ है पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम जो है इसके अंदर दो पल्मोनरी वेन होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है लंग से। बोथ जॉइन टू फॉर्म कॉमन पल्मोनरी वेन, एंड दोनों की दोनों क्या करती है कॉमन पल्मोनरी वेन को ज्वाइन कर लेती है, एंड इसके बाद ये ओपन हो जाती है लेफ्ट ओरिकल के अंदर। ठीक है, ये क्या कर जाती है लेफ्ट ओरिकल के अंदर ओपन हो जाती है। ये कॉमन डायग्राम हो गया जिसके अंदर ये सारे की सारी ब्रांचेस दिखाई हुई है। और इसके बाद अगर हम इसका एक और यहाँ पे देखें, यहाँ पे समरी देखें, यहाँ पे वीनस सिस्टम ऑफ रेट की, तो इसके अंदर चार यहाँ पे सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ वीने कैवे, पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम एंड पल्मोनरी सिस्टम। ये जो सिस्टम ऑफ वीने कैवे है इसके अंदर एक होता है एंटीरियर वीना कैवा, एक होता है राइट इंटीरियर वीना कैवा, एक होता है लेफ्ट इंटीरियर वीना कैवा, एक होता है पोस्टीरियर वीना कैवा। राइट इंटीरियर वीना कैवा जो है इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होगी, यहाँ पे होती है एक्सटर्नल जुगलर वेन जो कि फेस एंड नेक से अपनी सप्लाई लेके आती कलेक्ट करके लेके आती है। और एक्सटर्नल जुगलर वेन जो है दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक होती है एंटीरियर फेसियल वेन, एक होती है पोस्टीरियर फेसियल वेन। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे आती है सबक्लेवियन जो कि राइट फोर लिम्ब एंड शोल्डर से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगी, एंड ये फर्दर दो के अंदर डिवाइड होती है रेडियल एंड अल्नर लेवल एट द एल्बो लेवल।
इसके बाद थर्ड आती है इंटरनल जुगलर वेन, जो कि ओसीपिटल एंड थायरो सर्वाइकल के अंदर डिवाइड हो जाती है। ओसीपिटल ब्रेन से सप्लाई लेके आएगी, थायरो सर्वाइकल नेक रीजन से अपनी सप्लाई लेके आएगी। इसके बाद मेमरी वेन होती है, जो कि मेमरी ग्लैंड से ब्लड कलेक्टर के लेके आती है। इंटरपोस्टल वेन, जो कि एंटीरियर इंटरपोस्टल मसल से अपना ब्लड लेके आती है। फेनरिक डायफ्रगम से लेके आती है। तो ये हो गई यहाँ पे छह। इसके बाद हमने देखा था जो लेफ्ट एंटीरियर वीना कैवा है उसके अंदर ये छह तो होती ही है, यहाँ पे एक प्लस वन एक्स्ट्रा वेन होती है जिसको जाइगस वेन बोला जाता है। जाइगस वेन जो है पोस्टियर इंटरपोस्टल मसल्स ऑफ द बोथ साइड से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है। थर्ड यहाँ पे आता है पोस्टियर वीना कैवा, जो कि कोडल एंड कॉमन इलियक के अंदर डिवाइड होता है। कोडल वाली टेल से ब्लड लेके आएगी, कॉमन इलियक जो है ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी ये दो को ज्वाइन, दो इसको ज्वाइन करती है, इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक। इंटरनल इलियक जो है बैक ऑफ द थाई एंड पेल्विस से सप्लाई लेके आएगी, एक्सटर्नल इलियक जो है ठीक है इंटरनल वाली बैक एंड थाई से लेके आएगी एंड पेल्विक पेल्विक रीजन से, एंड एक्सटर्नल इलियक जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है फ्यूमोरल वेसिको यूट्राइन एंड पोस्टियर एपिगैस्ट्रिक के अंदर। फ्यूमोरल जो है हाइंड लिम्ब से ब्लड कलेक्ट करेगा, दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा टिबिया एंड पोपलाइट के अंदर। एंड वेसिको यूट्राइन जो है, वेसिको यूट्राइन ये दो के अंदर जो है, दो इसको वेन ज्वाइन करती है, एक वेसिकुलर होती है एक यूट्राइन होती है। वेसिकुलर जो है यूरिनरी ब्लैडर से ब्लड लेके आएगी, और जो सेकंड है यहाँ पे यूट्राइन ये यूट्रस से ब्लड लेके आएगी। पोस्टियर एपिगैस्ट्रिक जो है वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल से ब्लड लेके आएगी। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं इलियो लुम्बर वेन, जो कि डोर्सल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल से ब्लड लेके आएगी। जेनिटियल वेन, जो कि जेनिटियल ऑर्गन से ब्लड लेके आएगी। रीनल वेन, जो कि किडनी से ब्लड लेके आएगी, एंड ये दो के अंदर डिवाइड होती है डोर्सल लुम्बर वेन एंड एड्रीनल वेन। डोर्सल लुम्बर वेन जो है डोर्सल बॉडी वॉल से ब्लड लेके आती है, एड्रीनल वेन एड्रीनल ग्लैंड से ब्लड लेके आती है, एंड ये रीनल वेन को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद हिपेटिक वेन्स होती हैं, जो कि लीवर से अपनी सप्लाई लेके आती है। लेकिन होता है यहाँ पे पोर्टल सिस्टम, जिसके अंदर हिपेटिक पोर्टल वेन जो है रेट के अंदर पाई जाती है, एंड इसके अंदर फर्दर यहाँ पे चार वेन्स होती है जो कि इस हिपेटिक पोर्टल वेन को ज्वाइन करती है। एक होती है लाइनोगैस्ट्रिक, जो कि फर्दर दो के अंदर स्प्लेनिक एंड गैस्ट्रिक के अंदर डिवाइड होती है। स्प्लेनिक स्प्लीन से सप्लाई लेके आती है, गैस्ट्रिक स्टमक से सप्लाई लेके आती है, एंड सेकेंड यहाँ पे आती है ड्यूडोनल। ड्यूडेनल वेन जो है ड्यूडेनम एंड पेनक्रियास से सप्लाई लेके आएगी। एंटीरियर मिजेंट्रिक वेन जो है इलियम सीकम कोलन एंड एंटीरियर रेक्टम से सप्लाई लेके आती है, एंड पोस्टियर मिजेंट्रिक वेन जो है पोस्टियर पार्ट ऑफ द रेक्टम से अपनी सप्लाई लेके आती है, फिर ब्लड कलेक्ट करके लेके आती है। थर्ड वन इज द कोरोनरी सिस्टम, जिसके अंदर कोरोनरी वेन्स होती हैं, जो कि वॉल ऑफ द हार्ट से सप्लाई लेके आती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वहां से ब्लड को कलेक्ट करती है। एंड पल्मोनरी वेन जो होती है, इसके अंदर एक कॉमन पल्मोनरी वेन होती है, जो कि दो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन को कलेक्ट करती है, एंड ये जो है लंग्स से, यानी कि दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग से क्या करके लेके आते हैं, अपनी ब्लड कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो ये कॉमन डायग्राम है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे सारा का सारा वीनस सिस्टम डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने वीनस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द रेट के बारे में। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।